प्लीज माय क्यूटी पपीज, जैसे मैं दरवाजा खोलती हूँ ये आ जाते हैं। हेलो, ये उनकी मम्मा बिगो। हसको हसको वाइटू है वाइटू। ये मम्मा जो एनिमल्स होते हैं ना, सच में इंसान से तो लाख गुना सही होते हैं। जब भी मैं बाहर से आती हूँ ये मुझे ऐसे ग्रीट करते हैं बहुत प्यार से, मुझे रास्ते तक आ जाते हैं मेरे साथ। ये हमेशा ये आपको प्यार करते हैं, फेथफुल रहते हैं। आई लव हाउ डॉग्स आर फेथफुल, और इनका प्यार करने का बहुत अच्छे से ये ग्रीट करते हैं। है ना, हेलो बिकू। ओ बाहर जाएगा खेलना है उसने। उसके बाद मॉर्निंग का सन ऊपर है, छुपा हुआ ट्री में, उस ट्री में। सबसे पहले मॉर्निंग मैं जैसे उठती हूँ इन्हीं को देखती हूँ, ये मम्मा कैसे क्लीन कर रही है देखो अपने बच्चों को। ये इनका छोटा सा घर बना रखा है, ये ढका हुआ ताकि इनको हवा न लगे। पर अब इनका ना थोड़ा इनको गर्मी जैसे फील होने लग जाता है, इसी करके यहाँ पे कम ही रहते हैं। मोस्टली बाहर ज़्यादा पसंद करते हैं ये रहना। ये बहुत अटेंटिव है, कोई भी देखता है किसी भी बाहर वाले पर्सन को भौंकने लग जाता है। वेरी अटेंटिव बिगू, बिगू सुनता है अपने नाम। वो हस्को है, उसकी मामा देखो क्लीन कर रही है उसको। शी इज वेरी गुड मदर। देखो देखो, अब इनके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है। तो अगर आपको अपने घर के आसपास अगर कोई भी एनिमल्स दिखते हैं जो आपके दरवाजे में आते हैं, तो प्लीज़ उनको फूड और थोड़ा सा लव दीजिए, बस यही चाहते हैं वो। और ये देखो, ये अपने आप हमारे गेट के सामने आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ से नहीं फूड मिलेगा, लव मिलेगा, तो यही उनको चाहिए यार। तो प्लीज़ एनिमल्स के प्रति थोड़ा लव दिखाइए। और वहाँ पे थोड़ी अब बर्ड्स भी आएंगी इधर, ये जो ये दीवार है इसके ऊपर देखो गिलहरी आ रखी है। सो हंस को पता नहीं कहाँ जा रहा है बाहर। मम्मा अगेन क्लीनिंग। बढ़िया यार, इनको नहाना नहीं पड़ता ना। आई हेट बाथिंग। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। गाइस, मैं अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग करती हूँ हाफ ग्रीन टी से। तो इसका मतलब क्या हाफ ग्रीन टी का, तो मैं पता क्या करती हूँ, ये एक सैशे है ना, तो इस सैशे को ओपन करूँगी। और देखो, मैं हूँ थोड़ी कंजूस टाइप का, मेरा भाई है थोड़ा लेजी टाइप का। तो वो क्या करता है कि उसको अगर मैंने ग्रीन टी बना दी तो वो पी लेगा, अगर नहीं बनाऊँगी तो नहीं पिएगा। तो मुझे ही बना के देनी पड़ती है सुबह सुबह। तो मैं क्या करती हूँ, उसको जो ये ग्रीन टी का जो ब्लैक ब्लैक जो फ्लेवर सा नहीं आता, उसमें जब मैं डिप करूँगी उसको ऐसे, तो उसके बाद वो उसको दे देती हूँ। जो लास्ट में बचता है वो मैं ले लेती हूँ, इससे उसको भी पता नहीं लगता और मेरी भी ग्रीन टी के नाम के ग्रीन टी हो जाती है। जैसे मैंने अभी कप लिया, इसमें मैं डालूँगी वाटर, गरम पानी डालूँगी इसमें। ये और ये मेरे लिए थोड़ा ही हुआ पानी, चलो कोई ना, ठंडा पानी मिक्स कर देंगे। तो अब ये जितनी डिप कैसे से करके एक दो मिनट तक करनी हो मैं कर दूँगी। देखो, जब तक थोड़ा इसका फ्लेवर ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है, दिख रहा है इसका कलर।
तब तक मैं इसको ऐसे करती रहूँगी। और आफ्टर दैट मैं ये देखो कितना ब्लैक है, इसके बाद मैं ये वाला यूज़ कर लूँगी। सो दिस इज, तो मैं ऐसे हाफ ग्रीन टी लेती हूँ मॉर्निंग, ये मेरी और ये मेरी भाई की ग्रीन टी की, ग्रीन टी हो जाती है नाम की, जो थोड़ा बहुत बॉडी में लगेगा लग जाएगा, वैसे भी पता नहीं फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मुझे, पर मैं अपने भाई को ये नहीं बताती हूँ, अगर पता लग जाएगा उसको तो मुझे नहीं छोड़ेगा। देखो ये मेरी ग्रीन टी और ये मेरे भाई की हो गई तैयार। मैं इसको ऐसे, हम एक ग्रीन टी से दो ग्रीन टी के कप तैयार कर लेते हैं। ओके देखो वहाँ पे चिड़िया आ चुकी हैं, अब मैं यहाँ पे चिड़ियों के लिए खाना रखने जा रही हूँ। अब गर्मी आ गई ना तो उनको पानी की भी ज़रूरत है, तो ये गिर गया नीचे यहाँ पे, अब मैं इसमें पानी भरूँगी। और ये देखो इनको लगा ये इनका खाना है। ओ मम्मा 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 मम्मा। और ये वाइट वाला ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। वाइटू वाइटू। अभी मैं उसमें पानी पानी भरूंगी इसमें। वाह ये देखो इनको कितना लग रहा है कि अभी तुम्हारे लिए बना नहीं है, बनेगा भी, बनेगा भी कु। सो ये मैं पानी उसके अंदर जो हमने कंटेनर छोटा सा रखा हुआ है कटोरी टाइप का, इसके अंदर डालूंगी। गर्मियों में ना हमें इतनी प्यास लगती है तो चिड़ियों को कितनी लगेगी। तो ये पानी डाल के, और हमेशा ये पानी को ना चेंज कर दे करो रोज़, क्योंकि आजकल मस्कीटोज का भी डेंगू का मौसम आने वाला है। सो हमेशा चेंज कर दे करो जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो। मैं भी मॉर्निंग में उठ के इसको चेंज कर देती हूँ। अब मैं बनाऊँगी हमारे लिए ब्रेकफास्ट और मेरे चुंगू मुंगू के लिए ब्रेकफास्ट, है ना वाइटू वाइटू। ओके बाय बाय, चलो अब मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। ये देखो गाइस ये गेहूं की खेती करी अभी, अभी इनमें रंग मेरे ख्याल से येलो कलर का अप्रैल के महीने में आएगा, तो एक महीने के अंदर ही कितना कलर चेंज हो जाएगा इनका, ग्रीन से डायरेक्ट येलो हो गया गोल्डन कलर में। वाह यार नेचर का कमाल, एक महीने में इतना अंतर कलर से इस साइड भी है। यानी फोटो में थोड़ा येलोइश ना लगा लग रहा होगा शायद, पर रियल में बहुत ही ग्रीन है, अभी टोटली ग्रीन कलर के हैं। कितना सुंदर लग रहे हैं एक एक दाने, इनके निकालने कितनी मुश्किल है, सच में बहुत ही मुश्किल काम होता है। हमें तो सिर्फ दुकान में जाओ खरीद लो बस, पर रियल में बहुत मुश्किल काम है। उगाना तो चलो फिर भी उगा लो, उसके बाद इसकी रखवाली करनी होती है, कोई पेस्ट से और भी कुछ स्प्रे करो वो करो, बहुत ही मुश्किल काम है सच में, बहुत ही हार्ड वर्किंग काम होता है ये वाला, किसान लोग करते हैं खेती सच में बहुत ही, वो भी इतनी गर्मी में करेंगे, अब गर्मियों का मौसम आ रहा है गर्मी में करेंगे। हम तो सिर्फ दुकान में जाते हैं, भैया एक किलो कोई वो दे दो, 10 किलो चावल दे दो, इतना गेहूँ दे दो, हमारे लिए आसान होता है, पर जिसने उगाया होता ना उसी को पता होता है इसकी असली अहमियत, कैसे वो उगाता है किस दाने, उसके लिए कितना कीमती है सच में। क्यूट लिटिल गाय, सनसेट का टाइम है, सूरज कितना सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है ना फोटो में, बट रियल में नहीं दिख रहा ऐसा। आगे गेहूँ की खेती है, कितने सुंदर लग रहे हैं, इसमें पानी लगा हुआ ना, गीली है इसकी जमीन अभी, एक महीने में इतना चेंज आ जाएगा, नेचर का कमाल है ये, और सेकंड हमारे किसानों का कमाल है ये।
जिन्होंने इतना उगाया, इतना बड़ा उगाया। देखो यार, मैं तो आधा टाइम चलने में आज बड़ी थकावट से फील हो रही, पता नहीं क्यों लोसा फील हो रहा है। जाएंगे घर, वही बस घर में वही साइकिल चलेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बस चलते हैं घर। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर।